तो यहाँ से अब टैंक फुल करा लेते हैं, बिकॉज़ कहाँ कितना का प्राइस मिला कुछ पता नहीं है। अब जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है हैदराबाद से गोवा। अराउंड 14 आवर्स दिखा रहा है, 650 किलोमीटर के आसपास है। तो देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाते हैं हैदराबाद टू गोवा। थैंक यू। खानापुर और अभी टाइम हुआ अराउंड 9 PM। तो यहाँ रेडियो चल रही है 87.76 और ये अब तक का सबसे सस्ता फ्यूल मुझे मिला पूरे ट्रिप पे। तो अब पणजी एक घंटे में शायद पहुँच जाएंगे, यहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो ये है वाइट स्क्वायर निर्वाणा फार्म हाउस टाइप, मतलब जैसे ये विलास वगैरह हैं, यहाँ पे हमने स्टे किया है। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है आज टाइम में उसका, और इन फ्यूचर तो यार जैसे अब दिसंबर आएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, बट यार रहने का मज़ा ही अलग है यहाँ पे ना। मतलब लग भी अच्छा रहा है, बीच के पास रहने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ज़्यादा यार, बट यहाँ का कुछ जो है व्यू अच्छा है। यहाँ से बाघा बीच भी 5 किलोमीटर के आसपास है, एंड जो अपना पणजी है वो 10 किलोमीटर है, तो ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, सब पास पास ही है। और यार देखने में मज़ा भी आ रहा है, और एक तरह सोसाइटी टाइप मुझे लग रहा है ये, बट विलास जो रूम्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सही दी गई हैं यहाँ पे। तो किसी को यहाँ के बारे में पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये उधर अपना स्विमिंग पूल वगैरह, इसमें सब कुछ है यहाँ पे। एक तरह से आप आओगे अंदर, एंजॉय करोगे, घूमो फिरोगे, बच्चे बच्चों के साथ में वो खेलेंगे, सब कुछ मस्त करेंगे, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोवा अभी ओल्ड चर्च देखने आए थे, बट चर्च बंद है बिकॉज यहाँ पे वो क्लीनिंग का काम और लॉकडाउन में कुछ साफ सफाई नहीं हुई थी। तो क्रिसमस जो आ रहा है दिसंबर का, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है, तो चर्च अभी बंद है। तो चर्च के सामने जो एक और चर्च है, जो म्यूजियम बना हुआ है, उसको विजिट कर लेते हैं। बाकी चर्च का बाहर से देखा तो पहली बार हुआ है मैंने, बट अभी बाहर से देख लेंगे क्योंकि अंदर क्लीनिंग चल रही है, सब कुछ बंद है, तो अंदर जा नहीं सकते। ये म्यूजियम है और उधर वो चर्च है, जो ओल्ड चर्च जो बोलते हैं इसकी, यहाँ पे मम्मी वगैरह रखे हुए हैं, बट वो बंद है अभी। तो आप ही सिर्फ म्यूजियम विजिट करते हैं। साफ हो गई, सब हो गई साफ। चलो ये चर्च है पूरी, ये म्यूजियम बनाने हो। तो यार यहाँ की जो फेमस चर्च है ना, वो बंद है अभी। तो आप देख रहे हो ये जो म्यूजियम है ओल्ड चर्च, उसके आसपास जो भी लोकेशंस हैं, फेमस लोकेशन जो भी हैं, आप सर्च करोगे भाई कौन कौन चर्च यहाँ पे देखने की है, तो वो सब इस मैप में दिखाई देती है। ये मैप जो म्यूजियम है इसके अंदर लगा हुआ है ये। तो अभी हम यहाँ पे चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस एसआई इसके अंदर हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे इसमें जो म्यूजियम है, इसमें इसमें पेंटिंग्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह, और जो अरबी लैंग्वेज रही है, फिर जो द्रविड़ टाइम के रहे हैं स्टोन्स वगैरह, वो सब मंदिरों के मतलब शैली वगैरह लगता है ना, तरह से वो सब यहाँ रखा हुआ है इस म्यूज़ियम में। बाकी इसमें से कुछ देखने का और है नहीं। और जो चर्च में मम्मी है वो भी अंडर रिपेयरिंग है, कंस्ट्रक्शन में रिनोवेशन चल रहा है न्यू क्रिसमस के लिए। तो अब यहाँ से हम चलते हैं अपना बोटिंग के लिए, बोटिंग का बुक किया है, तो वो देखते हैं वहाँ से वो क्या क्या दिखाते हैं हमें बोटिंग में।
ये म्यूजियम के अंदर ही चर्चा कर रहे हो कितनी पुरानी है, मतलब यहाँ पे फोटोग्राफी बनाया और हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, क्या करें यार, इंडियन है ना, थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहता ही है हमें कि जो चीज़ मना की वो हम एक बार करके ज़रूर देखेंगे। तो अच्छी है, मतलब आप देख रहे हो कि एंट्रेंस उधर से है और ये बहुत ही बढ़िया और यार शायद बहुत पुरानी भी लग रही है, आई थिंक 500 अराउंड तो मिली ही पुरानी है। तो सामने आप देख रहे हो वो है घंटाघर, ठीक है, और ये म्यूज़ियम है जहाँ हमने यहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो सामने घंटाघर है और वो सामने है ओल्ड चर्च जो है कि काफ़ी फेमस चर्च है ओल्ड गोवा की। तो अभी अंदर जाने पे प्रतिबंध है 25th ऑफ दिसंबर तक, बाकी बाहर से ही देख सकते हैं जितने भी चर्च वगैरह हैं गोवा की। और इस टाइम यार धूप बहुत तेज़ है बट ब्यूटी है तो देखनी तो पड़ेगी और अच्छा भी लग रहा है गोवा, मतलब धूप होती है तो क्या हो गया, गोवा तो गोवा ही है, तो मज़ा आ रहा देखने में भी घूमने में भी। ये वाली जो मेन चर्च है उसमें मामी रखी है, उसमें काम चल रहा है 5th of September से, रिनोवेशन भी हुई है क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। और म्यूजियम देख के आ चुके हैं, म्यूजियम में कोई जाता है देखा यार, म्यूजियम होता क्या सीनरी वगैरह वही सब चीज़ें। तो अभी यहाँ से जाएंगे मीरामार बीच, वहाँ से बोट हमने बुक कर रखी है ऑलरेडी, यहाँ से हो गई थी, जिसमें वो 5-6 लोकेशन हमें दिखाएगा, 1.5 घंटे का ट्रिप है बोट का जिसमें डॉल्फिन वगैरह भी दिखाएगा वो। तो चलते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, ये भी देखने वाली बात है। डॉल्फिन इस टाइम धूप में मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा गोवा में, इधर तो पता है गर्मी गोवा में बहुत ज़्यादा होती है, बट शाम रात को बहुत ठंड थी यार, डाउन 20 डिग्री टेम्परेचर था, बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती है, थैंकफुल की कैब रखता हूँ मैं साथ में। तो अब चलते हैं मीरामार बीच, यहाँ से आई थिंक हाफ एन आवर की ड्राइव है, 15 किलोमीटर के अराउंड है ओल्ड गोवा से।